हाय फ्रेंड्स आज मैं आपको डिपिट ब्रांड के बारे में बताऊंगी बहुत ही वास्ट रेंज है इनके पास सॉसेस की ओरिजिनल ओरिएंटल सॉसेज़ इनके होते हैं एंड आई ऑलवेज यूज़ दियर प्रोडक्ट्स बहुत ही बेस्ट डिशेस बनती हैं इनके प्रोडक्ट्स से एंड प्राइस भी जो है वो बहुत ही रिजनेबल है और तो मैंने सोचा कि आज हम इनकी कुछ प्रोडक्ट्स का आपको फीडबैक दें तो ये देखिएगा मेरे पास इनकी जो है वो डिपिट चिली सॉस डिपिट ऑइस्टर सॉस डिपिट सोया सॉस डिपिट पिज्ज़ा सॉस डिपिट माओ क्लासिक एंड डिपिट टोमेटो कैचअप बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और इनका कहना है कि वन सॉस टू सेटिस्फाई ऑल योर टेस्ट बर्ड्स तो ये बिल्कुल ठीक कहते हैं क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स यूज करके हम अपने डिशेस को एक नया फ्लेवर देते हैं एक नेक्स्ट लेवल देते हैं तो आ, आप भी जो है आज ही जाए इनके प्रोडक्ट्स को बाय कीजिए और अपने खानों को एक नेक्स्ट लेवल दें और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए बिसमीम्असलैक्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद वमीन आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं रोज बर्न्स बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही ज़बरदस्त ये रोज़ बर्न्स बनते हैं आइए हम देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे इसके लिए मैंने लिया है ऑल पर्पज़ फ्लोर मैदा हाफ़ के जी मिल्क पाउडर टू टेबल स्पून सॉल्ट वन फ़ोर्थ टी स्पून शुगर वन टेबल स्पून ऑयल वन टेबल स्पून उयल, वन टेबल यीस्ट वन टेबल स्पून वन एग मैंने लिया है और नीम गर्म पानी का हम यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो है वो मिक्स कर देंगे अपने ऑल पर्पस फ्लोर में तो सबसे पहले मैं मिक्स कर रही हूँ मिल्क पाउडर देन सॉल्ट देन शुगर एंड देन इंस्टेंट यीस्ट इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे नाउ आई एम एडिंग ऑयल देन वन एग और अच्छे से हाथों की मदद से जो है उसको मसल मसल के मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम नीम गर्म पानी का यूज़ करके इसको हम अच्छे से नीट करेंगे अच्छे से गून लेंगे एक सॉफ्ट अच्छी सी डो हमें रेडी करनी है बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना सॉफ़्ट हाथों से हम इसको नीट करेंगे ये देखिएगा बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट सी डो हम रेडी कर चुके हैं वन टीस्पून तकरीबन ऑयल हम यूज़ करके आगे पीछे ऑयल लगा देंगे और इसको हम कवर करके एक गर्म जगह पर रख देंगे ताकि हमारी डो जो है वो बड़े अच्छे से राइज हो जाए देखिए जी जब तक हमारी डो राइज हो रही है हम रोज़ बंस की जो है वो फिलिंग को रेडी करेंगे बहुत ही डिफरेंट और ज़बरदस्त फिलिंग बनती है ये देखिए क्या हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लेंगे बॉयल एंड श्रेडेड चिकन मैंने ली है वन कप वन अनियन एक प्याज चॉप की भी मैंने ली है हरा धनिया और एक हरी मिर्च मैंने ली है चॉप की भी गरम मसाला पाउडर है वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है वन टी स्पून मैदा है टू टेबल स्पून ऑयल वन टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर वन टी स्पून सॉल्ट वन टी स्पून सोया सॉस वन टेबल स्पून देखें जी ऑयल मेरा गरम हो चुका है और मैं अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ जस्ट सौते करूँगी इसके बाद मैं अपनी प्याज इसमें ऐड करूँगी प्याज जो है उसको जस्ट मैं ट्रांसपेरेंट करूँगी हल्का सा ब्राउन नहीं करना जस्ट uh, जैसे ही ट्रांसपेरेंट मेरी प्याज हो जाएगी तो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें मैदा और मैदे को uh, जो है वो अच्छे से हम इसको भून लेंगे जस्ट वन मिनट और इसके बाद मैंने चिकन ऐड कर दी अपनी और चिकन ऐड करने के बाद हम अपने स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं ब्लैक पेपर पाउडर सोया सॉस सॉल्ट एंड गरम मसाला पाउडर इन तमाम स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं हर घर में मौजूद होते हैं लेकिन ये तमाम स्पाइसेस अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं हाफ़ कप मिल्क हाफ कप मिल्क ऐड करने के बाद हम इसको पाँच मिनट कुक करेंगे अच्छे से फिलिंग को ताकि एक बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा सा जो है हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी थिक फिलिंग रेडी होगी इसको हम पाँच मिनट कुक करेंगे यह देखिएगा फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम धनिया और हरी मिर्ची जो है इस पर स्प्रिंकल करके अच्छा सा फ्लेवर इसका आ जाएगा यह देखिएगा डो हमारी जो है दो घंटे गुजर चुके हैं डो अच्छे से रेडी हो चुकी है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से राइज हो चुकी है इसको अनकवर करेंगे और डो को जो है अगेन हम इसके एयर बबल्स निकालेंगे इस तरीके से फिंगर्स डाल के और अब हम इसको अच्छे से नीट करेंगे काउंटर पर हाथों की मदद से अच्छे से मसल के थोड़ा सा नीट करेंगे ताकि कोई भी एयर बबल इसमें ना रहे और हमारे बन्स जो हैं रोजेज़ बंस बहुत ही सॉफ्ट रेडी हों देखिए जी इसको इस तरीके से हम डो के जो है स्मॉल पीसेस कर लेंगे और एक छोटी सी इस तरीके से पूरी की शेप में रोटी बना लेंगे उसको चार कट्स लगाएंगे फिलिंग को सेंटर में रखेंगे और इसके बाद जैसे इंस्ट्रक्शन मैं दे रही हूँ इस तरीके से हम रोज़ को रेडी करेंगे अल्टरनेट साइड्स को हम एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करेंगे साइडों पर हम देखेंगे आ, एग जो है मैं इसके किनारों पे एग लगा रही हूँ ताकि अच्छे से आ, चिपक भी जाए स्टिक भी हो जाए और शाइन भी बड़ा अच्छा सा आए अल्टरनेट तरीके से एक के ऊपर एक लेयर हम लगा देंगे और इसके बाद हम इन लेयर्स को इन पैटर्स को जो है वो ओपन करेंगे साइडों से हल्का हल्का सा हम हाथों की मदद से हल्का हल्का सा जो है इसको ओपन करेंगे ताकि बिल्कुल रोज़ शेप आ जाए ये देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही खूबसूरत सा रोज़ रेडी हो चुका है अब मैं इन तमाम रोज़ को जो है मैं एग लगा दूंगी ऊपर फ्रंट पर अमन डिश पे मैंने तमाम रोज़े रख दिए हैं अब मैं कलौजी जो है इसके ऊपर हल्की हल्की स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि इससे लुक बहुत ही खूबसूरत आता है रोजेज़ का और 180 डिग्री पर मैं 30 टू तो 35 मिनट्स के लिए इनको अच्छे से बेक कर लूँगी ये देखिएगा हमारे रोजेज़ रेडी हैं